गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ हेलो बीपीसीएल। आज बेसिकली फ्रेंड्स हम बीपीसीएल, हेलो बीपीसीएल की जो लॉयल्टी प्रोग्राम का जो अभी नया एडवांस प्रोग्राम है, दैट इज़ ALP एडवांस लॉयल्टी प्रोग्राम, उसे हम मोबाइल ऐप पे किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम पूरा देखेंगे। बन रही है फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक, ताकि ईच एंड एवरी मॉड्यूल जो हेलो बीपीसीएल एडवांस लॉयल्टी प्रोग्राम के मोबाइल ऐप में प्रोवाइड किए गए हैं आपके लिए, वो वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो स्क्रीन पे जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट खुला हुआ है, बट हम क्या है, हमें बेसिकली एक ऐप इंस्टॉल करनी है। वो ऐप है हेलो बीपीसीएल ऐप। तो हम अभी वो ऐप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, प्ले स्टोर में हम स्ट्रेट अवे जाके यहाँ पे हेलो बीपीसीएल सर्च करेंगे। हेलो बीपीसीएल सर्च करती है, आप देख रहे हैं सर्च के पहले क्राइटेरिया में ये हेलो बीपीसीएल आ चुकी है। भारत पेट्रोलियम के खुद की ये ऐप है, हमें यहाँ पे इंस्टॉल इसे करनी है सिस्टम पे। MB का ये फाइल है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फाइल नहीं है और बहुत ही जल्दी आपके सिस्टम में बेहतरीन तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इंस्टॉलेशन के बाद आप इस ऐप को ओपन करें। ये ऐप कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है और एज ए आइकन आपके सेलफोन पे कहीं ना कहीं ये ज़रूर दिखेगी। आप वहाँ से इसे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ओपन करते आप पहले देख सकते हैं ये सारे बहुत सारे भारत पेट्रोलियम के खुद के गैस एंड ऑल एंसिलरी बिजनेसेस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। आप इन्हें स्किप कर दें। स्किप करते ही जैसे कि मैंने अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जो मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा हुआ था कि रजिस्टर्ड नंबर, जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आपको साइन इन करनी है, साइन अप नहीं करना है। बिकॉज साइन अप न्यू यूज़र के लिए होता है और साइन इन उनके लिए होता है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एनरोल्ड है। तो जो ऑलरेडी एनरोल्ड है आपको अपनी रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पे देनी है, देते ही आपको कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करते ही एक OTP आएगी। OTP आप देख रहे हैं स्क्रीन पे किस तरीके से OTP आई। OTP आने के बाद यहाँ पे OTP फिल करनी है या ये ऑटो फिल हो जाएगी। करने के बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट को क्रिएट क्लिक करनी है। क्रिएट अकाउंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज में जो है ऐप के नेक्स्ट पेज में बेसिकली आपको MPIN क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। आप कोई भी 4-डिजिट का एक MPIN क्रिएट कर दें, फिर से सबमिट कर दें। डन, ये हो चुका। अब नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स आप जब भी इसे ओपन करेंगे ये एमपिन से खुल जाएगी। जैसे मैं इस ऐप को अभी क्लोज करके फिर से दिखाऊंगा ओपन करके। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस ऐप को अभी क्लोज कर दिया। क्लोज करते मैं स्क्रीन पे हेलो बीपीसीएल के इस ऐप को वापस से खोल रहा हूं। खोलते ही ये एमपिन से डायरेक्टली खुल जाएगी। बहुत ही शानदार ऐप है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ऐप है। ये खुलते ही आपको यहाँ पे स्किप कर दिए, स्किप करके ये मेन पेज पे आपको ये नेविगेट करके ऐप लेके आ जाएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी ऐप है। यहाँ पे पर्सनल एंड बिजनेस दो ऑप्शन है। बिजनेस ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, आप पर्सनल ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये है, आप बिजनेस अगर ना रहे तो बिजनेस ऑप्शन को आपको क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे आपका नाम दिखेगा, आपका अकाउंट नंबर, लॉयल्टी पॉइंट सारा दिखेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स देखिए आपका एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी फर्स्ट पेज पे। और नीचे देखिए फ्रेंड्स आपने कितना ट्रांजेक्शन किया हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। CMS बैलेंस कितना अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिचार्ज आपने कितना किया वो आपको दिख रहा है। स्पेंड आपने किया वो भी दिख रहा है। एवरीथिंग कर्सर को यहाँ से अगर थोड़ी सी साइड में लिखे हैं तो रिवॉर्ड बैलेंस भी हमें दिखेगा कि रिवॉर्ड बैलेंस हमारा कितना है या रिवॉर्ड अर्न कितना हुआ, यूटिलाइज कितना हुआ। कर्सर को थोड़ा आगे लेके आएंगे तो पेट्रोमाइल बैलेंस हमारे यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि अवेलेबल पेट्रोमाइल एंड पेट्रोमाइल अर्न, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ईजिली अगर आप नेविगेट करेंगे तो ये आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिख जाएगी। अभी देखिए फ्रेंड्स दो तीन मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। यहाँ पे देखिए सेल ट्रांजेक्शन में अगर हम शो करेंगे तो हमें पिछला कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे आराम से दिख जाएंगे। हमने कब कब किया हुआ, देखिए हमने 18th को एक ट्रांजेक्शन किया हुआ है, इसे अगर हमने क्लिक किया तो क्या ट्रांजेक्शन किया, कितने का लिया, ये सारे चीज़ें, ये सारी डिटेल्स, RO के कॉन्टैक्ट, रिटेल आउटलेट के कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कितने रेट का हमने क्या क्या लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। किसी भी एक ट्रांजेक्शन के नीचे व्यू मोर, ये जो आप व्यू मोर देख रहे हैं ये व्यू मोर आप क्लिक करते ही क्या होगा, आपको सारी उस आर ओ की, उस रिटेल आउटलेट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उस ट्रांजेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी।
ये नेक्स्ट वाला भी आप देख रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी हुआ था, थर्ड ट्रांजेक्शन भी हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए फ्रेंड आपको वापस से रिपोर्टिंग में जानी होगी। मैं आगे वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड सीएमएस रिचार्ज वाला भी ऑप्शन है, सीएमएस रिचार्ज कब कब हुआ था वो भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, फेल्ड हुआ या कौन सा सक्सेस हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अभी हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से यहाँ पे बैक करने वाले हैं, जो स्क्रीन पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन शो की गई थी वहां से बैक करके भी हम मेन मॉड्यूल्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऊपर में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक बेल आइकन है, बेल आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने एक यहाँ पे एक मैसेज आता है आपने कब कब क्या क्या एक्टिविटीज किया, ये सारा मैसेज। अभी देखिए 5:42 में देखिए क्या एक्टिविटी हुई है, 5:39 में क्या एक्टिविटी हुई है, किस दिन क्या क्या एक्टिविटी हुई है, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, अनरीड या रीड टेक्स्ट के जरिए एवरीथिंग। ये एक अलर्ट है आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे देखिए प्रोफाइल, आपका नाम, पैन एंड आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें शो करेगी। प्रोफाइल आपको यहाँ पे आपका पूरा शो करेगा। प्रोफाइल में बेसिकली फ्रेंड्स आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे सीआरई फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इस आइकन पे यहाँ पे आप जो आइकन देख रहे हैं यहाँ पे इस आइकन में आप क्लिक करके आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी प्रोफाइल। ऑथराइज सिग्नेटरी का डेफिनेटली आप सब कुछ चेक चेंज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे क्लिक करके आप देख रहे हैं चारों चीज़ें ऑथराइज सिग्नेटरी के, नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ऑथराइज सिग्नेटरी के आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस, एड्रेस भी फ्रेंड आप यहाँ पे क्लिक करके उसको एडिट करके आप एड्रेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज करके दोबारा अपडेट कर सकते हैं आप। बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं, वो भी आप यहाँ पे एडिट करके आप इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। BPCL रिलेशनशिप ऑफिसर के भी नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे CRE फ्रेंड्स तो वैसे 24/7 है ही आपके लिए। तो ये पार्ट फ्रेंड हो गई प्रोफाइलिंग पार्ट, जो राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे MK लिखा हुआ है वहाँ पे। अब मैं नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में आ रहा हूँ फ्रेंड्स। ये होम, बेसिकली होम खुली हुई, देखिए होम पे ब्लू कलर का ये हाईलाइटेड है। देन हमारे रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स पे फ्रेंड हम जैसे ही क्लिक करेंगे, रिवॉर्ड पे क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले रिडीमेबल पेट्रोमाइल दिख रहा है, पेट्रोमाइल अर्न दिख रहा है, और पेट्रोमाइल रिडीम कितना किया गया ये दिख रहा है, और ये हिस्ट्री भी दिख, यहाँ पे रिडेम्पशन हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, उसके नेक्स्ट वाले सेगमेंट में रिडीम एज रिवॉर्ड बैलेंस, जैसे कि हमारे यहाँ पे 30,000 के ऊपर अगर पॉइंट रहे तो ही हम इसे कैश में इनकैश कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18,163 पेट्रोमाइल्स अभी अवेलेबल है, दैट्स वाई हम इसे कैश में रिडीम नहीं कर सकते, तो यहाँ वो शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज वो यहाँ पे शो करता, इस वाले पोर्शन में शो करता रिडीम एज रिवॉर्ड बैलेंस फ्यूल रिडेम्पशन यहाँ पे शो करता, उसका वैल्यू दिखता। फिर आप जैसे ही इसको, इस रिडीम को देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे ये वाली पेज आ जाएगी, ये वाली पेज में आपको वो पूरी पॉइंट्स डाल देनी, यहाँ पे रिवॉर्ड दिख जाएगा आपको, दिखते ही रिडीम एज अ रिवॉर्ड बैलेंस हो जाएगा। बट स्क्रीन में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे की तरफ स्टार मार्क में मिनिमम पेट्रोमाइल टू बी रिडीमेड एट 30,000 के नीचे ये रिडीम नहीं करने देगा। बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे अपने पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ कूपन्स के भी हैं, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप बेसिकली फ्यूअल रिडेम्पशन के लिए जाए, ताकि ये पैसे आप अच्छी तरीके से अपने फ्यूअल और फ्यूअल परचेज में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिवॉर्ड से हम बाहर निकलते हैं फ्रेंड्स। रिवॉर्ड से बाहर निकलने के बाद हम रिचार्ज में जाएंगे। आज अभी हम एक लाइव रिचार्ज करके भी आपको फ्रेंड दिखा देंगे। अभी ये देखिए रिचार्ज भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे फ्रेंड किया हुआ है। रिचार्ज वाला सेक्शन जो हमारे यहाँ पे है उसमें आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगी, और कुछ भी रिचार्ज करने, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अभी एक 100 रुपीज का एक रिचार्ज करूंगा, 100 करके पे नाउ हमने किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। पे नाउ करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के मेथड आप आ गए हैं, आप देख सकते हैं UPI गूगल पे हम कर सकते हैं, UPI हमने पेटीएम कर सकते हैं, कार्ड फोन पे, नेट बैंकिंग, एवरीथिंग हम कर सकते हैं। हम जैसे कि हम एक कार्ड का हम यहाँ पे आपको करके भी दिखाएंगे। ये करते ही फ्रेंड्स एक OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, ताकि वो आपको वेरीफाई करे। वेरीफाई करते ही आप आगे गए, एड अनदर कार्ड करके, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स मैं एक अभी लाइव आपको दिखा रहा हूं,
देखिए फ्रेंड्स, सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ पे पे नाउ करेंगे। यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, हम इसे और एक बार फिल करेंगे। जैसे हमने पेन आउट किया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही माइनर एक सर्विस चार्जेस लगती है जो हम नहीं लेते हैं, जो बेसिकली बैंकिंग साइट लेती है। यहाँ पे 0.05 का एक सर्विस चार्ज लग रहा है आपका, कुल मिलाकर 100 रुपीज रिचार्ज करने में 100.05। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है। कंटिन्यू करते ही फ्रेंड्स पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। पेमेंट प्रोसेस होते ही एक OTP आएगी आपके बैंकिंग से, वो OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, फिल करके पे कर देनी है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये रिचार्ज बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, लाइव रिचार्ज हमने आपको एक करके दिखाया फ्रेंड्स। ट्रांजेक्शन ID, पेमेंट टाइप, अमाउंट, एवरीथिंग हो गया और ये रिचार्ज बिल्कुल सक्सेसफुल था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रिचार्ज हो गया। तो फ्रेंड्स आइए हम इसे अभी चेक करते हैं एक बार। हम क्या करेंगे, हम फिलहाल होम पेज आएंगे, होम पेज आके हम अभी चेक बैलेंस करेंगे। देखिए CMS बैलेंस में आके हमने जो CMS रिचार्ज हिस्ट्री अभी भी हमने चेक किया, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज़ का यहाँ पे 100 रुपीज़ का यहाँ पे एक रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। 30,054 रुपीज़ हमारा ओपनिंग बैलेंस था, अभी हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया है 30,154 रुपीज़। या फिर इजीली बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जाएंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल फ्रेंड्स हमारा है रिचार्ज वाली पार्ट होगी, कार्ड्स, कार्ड्स वाले सेक्शन में। बेसिकली फ्रेंड्स देखिए हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कार्ड वाले सेक्शन मैनेज कर सकते हैं। कार्ड में ऊपर में देखिए फ्रेंड्स 3 मॉड्यूल है, एक्टिव 2 कार्ड है, इनएक्टिव देखिए फ्रेंड्स 0 है, ब्लॉक्ड भी 0 है, हॉटलिस्ट 0 है, अनअसाइंड 0 है, टर्मिनेटेड 0 है, ऑल कार्ड्स 2 दिखा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, आप लोग अपने कार्ड्स देख सकते हैं। कभी कभी क्या ये कंप्लेन आती है कभी कभी कि सर हमारी कोई कार्ड चल नहीं रही है, या हमारी कार्ड इनएक्टिव शो कर रही है, हमारी कार्ड ब्लॉक शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये स्क्रीन पे ऊपर में आप अपना ऐप खोल के देखें, यहाँ पे बेसिकली इनएक्टिव में या ब्लॉक में 1 या 2 कार्ड आपका दिखाएगा, और ये जो कार्ड दिखाएगा उसे आप क्लिक करो, इनएक्टिव में क्लिक करो या आप ब्लॉक में क्लिक करो, आपको वो वाली कार्ड अच्छी तरीके से दिख जाएगी, वो वाली कार्ड आप इसे अनब्लॉक या एक्टिव कर दो, फिर वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 2 कार्ड है, इसे अगर हमने लिमिट सेट करनी है तो हमें क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर कार्ड पे से हमें इसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके हमने क्या किया सेट लिमिट ऑप्शन में हमने क्लिक किया। सेट लिमिट ऑप्शन में क्लिक करने के अगर एडॉक है तो एडॉक में जाएंगे, डेली मंथली है तो डेली मंथली में जाएंगे। जैसे अगर डेली मंथली करनी है, डेली के लिए फॉर लेट से फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपीज़ देने हैं, और मंथली के लिए फॉर एग्जांपल हमें 2 लाख रुपीज़ देने हैं, या डेली के लिए फॉर एग्जांपल हमें 30,000 देने हैं फॉर एग्जांपल, और इसके लिए हमें 2 लाख देने हैं, तो हमें क्या करनी है, देखे हमें यहाँ पे सबमिट कर देनी है फ्रेंड्स। ज़्यादा क्वेरी आती है फ्रेंड्स बेसिकली कि वर्चुअल कार्ड कैसे क्रिएट किया जाए, ओटीपी वाली कार्ड कैसे क्रिएट किया जाए, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे छोटे से प्लस साइन है, इस प्लस साइन को आप क्लिक कर लें, करके ऐड कार्ड, यहाँ पे ऐड कार्ड आप क्लिक कर लें। ऐड कार्ड क्लिक करने के बाद व्हीकल नंबर देखे या कस्टम कार्ड नेम देखे, से मैं कस्टम कार्ड नेम देखे करूँगा, यहाँ पे करके आपको क्या है ये भर देनी है, जैसे कि MKSDGP001 हमने डाला, व्हीकल नंबर हमने शायद कुछ दे दिया WB40J5671, व्हीकल मेक्स हमने कुछ भी एक दे दिया, लाइक फॉर एग्जांपल टोयोटा दे दिया हमने, व्हीकल टाइप हमने फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दिया, 4 व्हीलर हमने दे दिया, रजिस्ट्रेशन ईयर हमने फॉर एग्जांपल 2019 हमने दे दिया, फ्यूल टाइप हमने ऑल कर दिया। ऑल करके हमने क्या किया, हमने इसे सबमिट किया। सबमिट करती है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेल फोन नंबर डेफिनेटली डिमांड करेगा, आप कोई भी एक सेल फोन नंबर यहाँ पे डाल दें। डालने के वक्त ये भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि वो सेल फोन नंबर बेसिकली कहीं भी भारत पेट्रोलियम के डेटाबेस में नहीं रहना चाहिए, मतलब OTP कार्ड उस पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक अभी डिफरेंट एक सेल फोन नंबर डाल के इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे।
और इसी के साथ फ्रेंड ये वर्चुअल कार्ड हमारा एक क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैक टू कार्ड मैनेजमेंट पे वापस से हम आ जाएंगे। बैक टू कार्ड मैनेजमेंट पे आने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर में एक्टिव 3 दिखा रहा है, इनएक्टिव 0 दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन में हमारा कार्ड्स 2 ही है। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगता है ये जो कार्ड अभी भी बनी हुई है वो यहाँ पे स्क्रीन में आने के लिए। और स्क्रीन में आने के बाद आप क्या, आप उस कार्ड को आप लिमिट प्रोवाइड करके आप उस कार्ड को एक्सेस के लिए भेज सकते हैं। आई मीन ये वर्चुअल कार्ड है, यहाँ पे सेलफोन नंबर बहुत ही जरूरी है, तो वो सेलफोन नंबर जाके एक्सेस कर सकते हैं किसी भी आरओ में, मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको उन्हें लिमिट वगैरह प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स हमने फिर से रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करती ही ये थर्ड कार्ड आ गया। तो ये पहला वाला कार्ड था WB40 5670, ये हमने अभी भी बनाया हुआ है, तो इसे हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ऐसे सिलेक्ट करके सेट लिमिट पे हम क्लिक करेंगे। सॉरी शायद हमने कुछ गलती किया, हमने MKS DGP 001 बनाया था, इसे हमने सेलेक्ट करके सेट लिमिट सेलेक्ट करनी है। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड स्क्रीन में डेली एंड मंथली लिमिट यहाँ पे कुछ है भी नहीं, और एडॉक लिमिट भी कुछ नहीं है। एडॉक लिमिट पे अगर हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश कार्ड है अभी भी बना। तो मैं फॉर एग्जांपल कि मेरे को डेली मंथली में अगर चलानी है, एडॉक में फॉर एग्जांपल चलाना है, किसी कोई बाहर की गाड़ी है उसे हमें वन टाइम फ्यूल देनी है 50,000 का, तो हमने यहाँ पे 50,000 का फ्यूल हमें दे देना है, देखिए हमें इसे सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही क्या है, बैक टू कार्ड मैनेजमेंट हमें करना है। इस कार्ड में बेसिकली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव कार्ड है, फ्यूल स्टेशन 26826 अलाउड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे 15,000, दिस मंथ 52,000, सेल ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और इस कार्ड का देखिए फ्रेंड्स बेसिकली इस कार्ड के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हमने इस कार्ड की देखनी है तो हमें इस कार्ड को यहाँ पे क्लिक करना है, इस कार्ड को हमें क्लिक करने के आप देख सकते हैं यहाँ भी उतने ही आरओ अलाउड है, ठीक है। सेल इस मंथ में और आज कुछ भी हुआ नहीं है, इसमें एडहॉक लिमिट 50,000 असाइन है, वापस से इसे हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, बट अभी हम क्या है इसको क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ पे एड ऑन कार्ड क्रिएट करना, वर्चुअल एड ऑन कार्ड क्रिएट करना समझ में आया बहुत ही अच्छी तरीके से, और फिर किस तरीके से ये एक्सेस हो रहा है वो भी आप यहाँ पे समझ गए। अभी फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि अगर हमें इस एड ऑन कार्ड को वापस से क्या करना है, इस एड ऑन कार्ड को वापस से हमें डिलीट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में जाना है या व्यू कार्ड प्रोफाइल, यहाँ पे हमें जानी है और जाके फ्रेंड आप आपको यहाँ पे एडिट करनी है। एडिट करने के बाद क्या है, आपको इसके सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगे। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देनी है। अगर आप ब्लॉक करने के लिए जाएंगे तो ये स्क्रीन पे देखिए, आर यू श्योर यू वॉन्ट ब्लॉक द सिलेक्टेड कार्ड, यस यस, जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स देखिए वो वाली कार्ड यहाँ से निकल गई, और निकल के आपको तुरंत स्क्रीन में एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, वो वाली कार्ड आपकी ब्लॉक हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक्ड में ऊपर में राइट हैंड साइड के ऊपर में ब्लॉक में एक कार्ड वाले यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई, ब्लॉक्ड वन, ठीक है। तो ये मेथड है फ्रेंड्स, बेसिकली आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसे अनब्लॉक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। नेक्स्ट बेसिकली फ्रेंड्स अब मैं आगे बढ़ता हूँ मोर की तरफ। मोर में बेसिकली फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हमने यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सपोर्ट रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जैसे कि हमने अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाले वीडियो में आपको बताया था, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अगर हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। बट बेसिकली अगर हमें रिपोर्टिंग चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आनी होगी, जहाँ पे कार्ड लिमिट रिपोर्ट्स, कार्ड ट्री रिपोर्ट्स, पेट्रोमाइल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कंसोलिडेटेड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सीएमएस रिपोर्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ पे आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके यहाँ पे आपने डेट डालना है, आपने एक्सेल फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से लेके अभी 19 तक हमने इसे देखना है, या 18 तक हमने देखना है, और देख के हमने क्या करना है, इसे 4 ऑप्शन है, एक्सेल में डाउनलोड करना है, सीएसवी में डाउनलोड करना है, या मेल पे भेजना है। तो हमने अगर एक्सेल में डाउनलोड करके हमने अगर इसे कंफर्म किया तो क्या है, ये डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और डाउनलोडिंग फ्रेंड हो भी गई। ये देखिए फ्रेंड्स किसी भी रीजन की वजह से शायद ये अभी खुल नहीं रहा है, बट फ्रेंड ये अभी अभी अच्छी तरीके से डाउनलोड हो चुका है। आप इसे क्या है, आप इसे अपने मेल पे भी भेज सकते हैं, या अपने सिस्टम में इसे अच्छी तरीके से अपने ऐप में चेक कर सकते हैं। सेल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी आप यहाँ से डाउनलोड पे जाएं, डाउनलोड पे जाके आप यहाँ पे क्या है कि 3 साल तक अपनी हिस्ट्री आप ईमेल पे भी मंगवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला वो डेट का रेंज आप यहाँ पे डालें, दोनों में डेट का रेंज डाल के आपको जो चाहिए, या तो डाउनलोड करके अभी एक्सेस करनी है तो एक्सेल में करें, और मेल पे डालनी है तो आप इसे मेल पे सेंड करवा दें।
इस तरीके से ईच एंड एवरी काइंड ऑफ रिपोर्टिंग फ्रेंड्स जो जो आपको चाहिए वो सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे इजिली अवेलेबल हैं। TCS एंड TDS डिक्लेरेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका आपकी पूरी टर्नओवर 10 करोड़ से अगर एक्सीड करती है इन एनी फिनेंशियल ईयर तो बेसिकली आप उसे सेलेक्ट करें, अगर नहीं एक्सीड करती है तो उसे नीचे वाले सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको एक OTP आएगी, वो OTP हमारे स्क्रीन में जैसे आई फ्रेंड्स, ये ऑटोफिल हो गई, आपको ये OTP डाल के वेरीफाई कर देनी है और ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगी और फिर डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिटेड का एक आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स जो आपके नोडल ऑफिसर होंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिटेल्स भी आ जाएगा क्योंकि उन्होंने अप्रूव किया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस एंटायर स्क्रीन पे जितने भी मॉड्यूल्स दिखे वो अच्छे तरीके से समझ में आए, किस तरीके से आपको बैलेंस चेक करनी है, किस तरीके से आपको अपनी पेट्रोमाइल बैलेंस यहाँ पे देखनी है, फिर कर्सर को इस तरफ लेके जाके रिवॉर्ड बैलेंस आपको चेक करना है, फिर कर्सर को थोड़ा आगे लेके जाके आपको CMS बैलेंस चेक करना है। तो आप इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ें आप चेक कर पा गए फ्रेंड्स एंड दैट इज़ वेरी एफिशिएंट कि ये ऐप बहुत ही स्मूथ चले। अगर आपको जितनी अच्छी इसमें स्मूथनेस समझ में आएगी उतनी अच्छी ये ऐप आपके लिए बेनिफिशिएटेड होगी। तो अपने चारों मॉडल बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे देख चुका है, होम, रिवॉर्ड्स, रिचार्ज कार्ड एंड मोर के जो सारे ऑप्शन है ये सारी चीज़ें आपने देख चुका है। तो आई होप कि ये इंटायर वीडियो में, ये इंटायर सेशन में आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसके अलावा भी अगर फर्दर किसी भी तरीके का फ्रेंड्स क्वेरी हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, आप हमारे पुराने वीडियो पे जाएं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाले वीडियो पे जाएं, अगर कुछ क्वेरीज हो तो आपको वहां से भी डेफिनेटली सोल्यूशन मिल जाएंगे। और इसी तरीके से वीडियो में बने के रहने के लिए थैंक यू।